गारंटी बनेगा। और ऐसे में 104 पन्नों में 1500 से ज्यादा घोषणाएं होगी। और आज 12 बजे पूर्व सीएम कमलनाथ वचन पत्र जारी करेंगे। पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस को वचन पत्र से उम्मीद है। और वचन पत्र में महिलाओं, युवाओं, ओबीसी और किसानों पर फोकस किया जाएगा। वचन पत्र में अलग अलग वर्गों को साधने की झलक भी देखी जाएगी। और राहुल प्रियंका की गारंटी से वोटर्स को लुभाने की ये कोशिश है। और ऐसे में कांग्रेस का एक मुख्य वचन पत्र होगा जिसके 7 भाग होंगे। कांग्रेस के वचन पत्र में ये वचन शामिल होंगे। और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए महीना, ओबीसी को 27% आरक्षण और जातिगत जनगणना, किसान कर्ज माफी, कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए प्रति महीने, कक्षा 9 से 10 में रुपए 1000 प्रति महीने और 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त। और ऐसे में 100 यूनिट्स बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। तो वचन पत्र में ये तमाम कोशिशें की गई है वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस की ओर से। और कांग्रेस का एक वचन पत्र होगा और जिसके 7 भाग होंगे। तो कमलनाथ का वचन पत्र चुनाव जीतने की गारंटी भी बन सकता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में नजर आ रही है। 104 पन्नों में 1500 से ज्यादा घोषणाएं होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, कांग्रेस की ओर से ये वचन पत्र जो है वो जारी किया जाएगा, 104 पन्नों में 1500 से ज्यादा घोषणाएं होंगी। क्या क्या वो घोषणाएं होंगी और किस तरह से कांग्रेस चुनावों को साधेगी इस वचन पत्र के जरिए? देखिए, 2018 की तर्ज पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी की तर्ज पर कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ और उनसे अब कई अहम और मुद्दे लाने वाली है, क्योंकि पिछले 3.5 साल का कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कार्यकाल मिला और 8 महीने का तमाम जो मध्य प्रदेश में सर्वे किए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, जिन नेताओं को वचन पत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, 3 IAS अधिकारी भी थे उसमें, पूर्व रिटायर्ड IAS अधिकारी जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का सर्वे किया, निचोड़ निकाला 8 महीने के बाद कि मध्य प्रदेश में 104 पेजों का 1500 से ज्यादा अब घोषणाओं का यानी कि वचन पत्र कांग्रेस आज जारी करने जा रही है, जिसमें महिलाओं को, युवाओं को, इसके साथ ही जातिगत जनगणना की बात कही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, लगातार भाषण दे रहे हैं और जो वादे उनके द्वारा किए जा रहे हैं उन वादों को भी इस वचन पत्र में शामिल किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ओबीसी का एक बड़ा हब है। मध्य प्रदेश में लगभग 60% आबादी ओबीसी वोट बैंक की है, इसलिए मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना की अगर कांग्रेस बात करती है तो कांग्रेस को एक बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही महिलाओं पर फोकस दिया गया है, क्योंकि 2,70,00,000 महिलाओं की आबादी है, शिवराज सरकार लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए का दिया जा रहा है, महिलाओं को लाडली बहना के माध्यम से 1,250 रुपए दिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस भी अब महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना लाने जा रही है जिनको 1500 रुपए प्रति माह देगी। इसके साथ ही महिलाओं को रसोई गैस 550 रुपए में कांग्रेस देने का वादा कर रही है। महिलाओं को बिजली 100 रुपए, अगर 100 यूनिट बिजली आती है तो उसका 100 रुपए बिल आएगा। तो कहा जा सकता है कि अब महिला वोट बैंक के साथ युवाओं को, जातिगत जनगणना की अगर कांग्रेस बात करती है और आज 12 बजे पूर्व सीएम कमलनाथ अपना वचन पत्र जारी करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहले सूची जारी कर अपना बड़ा खेल मध्य प्रदेश में रच दिया, उसके बाद कांग्रेस की सूची आई, अब कांग्रेस पहले अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। जी चेतन, तो ऐसे में कांग्रेस का किस वर्ग पर मुख्य तौर से नजर कांग्रेस की बनी हुई है? देखिए, जातिगत जनगणना की बात की जा रही है, ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है और महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश 60% से ज्यादा आबादी वाला ओबीसी राज्य है। तो कहा जा सकता है कि ओबीसी की अगर
कांग्रेस बात करती है और जातिगत जनगणना की अगर बात करेगी तो निश्चित रूप से चुनाव में एक बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि शिवराज सरकार पिछले महीनों से कई महीनों से लगातार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही, क्योंकि मध्य प्रदेश में इलेक्शन नजदीक थे, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर वोट बैंक को साधे और सरकार चाहती है कि वापस एक बार फिर उनकी सरकार बने, और यही कारण है कि अब कांग्रेस भी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही, क्योंकि पहले कमलनाथ ने अपने 5 वचन पत्र जारी किए थे जो बीजेपी ने अपने खाते में ले लिए, तो अब कहा जा सकता है कि ऐसे 1500 मुद्दे कांग्रेस लेके आ रही और बीजेपी से पहले इसलिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने जा रही है। हमारे साथ हम आपसे आगे